समस्त डीएलएड प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। मैं अजय प्रताप सिंह, प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन, डाइट फिरोजाबाद। जैसा कि विगत दिनों में कोरोना के चलते पूरे भारत एवं विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके मद्देनज़र डाइट प्राचार्य मैडम एवं समस्त स्टाफ की तरफ से आप सभी लोगों को ऑनलाइन क्लासें दी जा रही हैं। इसी क्रम में मैं आपको सामाजिक अध्ययन की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। सभी फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को मैं आज सिलेबस के साथ साथ ऑनलाइन वीडियो भी भेज रहा हूं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रथम अध्याय 1857 का, प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास, जिसके अंतर्गत हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि, क्रांति का संगठन एवं उद्देश्य, समय, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के कारण, स्वाधीनता संग्राम की प्रमुख घटनाएं, स्वाधीनता संग्राम के असफल होने के कारण एवं स्वाधीनता संग्राम के परिणाम पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं 1857 के स्वतंत्र संग्राम की पृष्ठभूमि पर। जैसा कि उस समय लॉर्ड डलहौजी के पश्चात लॉर्ड कैनिन गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, उन्हीं के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का प्रारंभ 13 जनवरी 1857 को कलकत्ता से हुआ और शीघ्र ही यह विद्रोह मेरठ, कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, लगभग समस्त भारत में फैल गया। इस विद्रोह का आरंभ भारतीय सैनिकों द्वारा अपने अंग्रेजी अधिकारियों के विरुद्ध हुआ। यही कारण है कि इस विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। सर जेम्स आउटमैन के अनुसार यह विद्रोह भारतीय मुसलमानों का षड्यंत्र था, जो अंग्रेजी सत्ता को उलट कर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की अधीनता में देश अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहते थे। इसी क्रम में बिपिन चंद्रा के अनुसार 1857 का विद्रोह सचेत सहयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। सर विलियम रसेल के अनुसार 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध था। जेड रॉबर्टसन के अनुसार वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था। एवं सर जेम जॉन्स लॉरेंस के अनुसार यह घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पात था। 1857-1856 तक अंग्रेजी गवर्नर जनरलों ने अपनी विभिन्न छलपूर्ण नीतियों के कारण भारत पर स्वतंत्रता लगभग सभी प्रदेशों पर अपना विदेशी शासन स्थित कर दिया था। अब हम बात करते हैं क्रांति का संगठन, उद्देश्य एवं समय। सर्वप्रथम हम संगठन के बारे में बात करते हैं। 1857 की क्रांति के संबंध में यह कहा जाता है कि इस संगठन का अभाव था। इस क्रांति के लिए उद्देश्य निश्चित, समय प्रचार तैयार, एकता का नेतृत्व आदि का व्यापक तत्व में दर्शाया गया। क्रांति का संदेश नगर से लेकर गांव तक संप्रेषित किया गया। संप्रेषण के लिए कमल, रोटी आदि प्रतीक चिन्ह बनाए गए। अब हम बात करते हैं उद्देश्य की। 1857 क्रांति का उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट था, अंग्रेज को देश से निकालना और भारत को स्वाधीन कराना क्रांतिकारियों का अंतिम लक्ष्य था। कहा जाता है कि इस क्रांति में भाग लेने वाले सैनिक जमींदार या छोटे छोटे सैनिकों के हित थे। क्रांति के महत्व को कम करने की कोशिश की गई है। वस्तुतः यह विद्रोह एकता पर आधारित अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध था। अब हम समय पर चर्चा करते हैं। संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत एक ही निश्चित समय पर होनी थी। 31 मई 1857 का दिन तय किया गया था। विलियम
विलियमसन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि प्राय परमाणुओं से मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि एक स्वतंत्र विद्रोह करने के लिए 31 मई 1857 का दिन चुना गया था। यह संभव है कि कुछ क्षेत्रों में विद्रोह का सूत्रपात निश्चित समय पर हुआ। अब हम बात करते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण। जैसे कि किसी भी क्रांति के लिए निम्न कारण होते हैं, जैसे कि राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण एवं सामाजिक कारण। इसी क्रम में अब हम बात करते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंतर्गत लॉर्ड डलहौज की अपहरण नीति से भारतीय लोग एवं वहाँ के रियासत के राजा बहुत परेशान थे, और इससे परेशान होकर उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इस संग्राम में भाग लिया। इसी में रानी लक्ष्मीबाई तथा कानपुर के नाना साहब आदि अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया। अब हम बात कर इसी में के अंतर्गत नाना साहब और पेशवा बाजीराव की पेंशन तथा सम्मान सूचक उपाधियां समाप्त कर दी गईं। ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानूनों की अनदेखी और अवहेलना करती थी। इस प्रणाली में भारतीयों को अत्यधिक खर्चीली, पेंदली और अवधिपूर्ण लंबी प्रक्रिया बना दी, जिससे कि उनमें न्याय की पक्षपात प्रणाली पाई गई। अब हम बात करते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण के अंतर्गत मिशनरियों ने ईसाई धर्म का प्रचार किया और अधिक से अधिक हिंदुओं को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए बेबस किया। साथ ही साथ जाति, इसी के रेलवे और अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ से जातिवाद मानने वाले भारतीयों ने अन्य धर्म के लोगों के साथ यात्रा करना, बैठना, पढ़ना आदि हस्तक्षेप समझा। सैनिकों को जो कारतूस प्रयोग में दिए जाते थे, उनमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी, जिससे हिंदू और मुसलमान सैनिक भड़क गए। आर्थिक कारण। आर्थिक के अंतर्गत हम विदेशी सामान के भारत में आने से भारतीय माल की बिक्री बंद हो गई। इससे उद्योग धंधे नष्ट हो गए और भारतीय दस्तकार बेकार हो गए। बेकार होने के कारण बेरोजगारी बढ़ी, खेतियार किसानों की दिशा खराब हो गई और देश का धन विदेश चला गया। बेकार होने के कारण इस प्रकार के लोग संगठित होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। उन्हें अंग्रेजों कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता था। अब हम बात करते हैं सामाजिक कारण। सती प्रथा, बाल विवाह आदि पर रोक लगाने से भारतीय असंतुष्ट हो गए थे, जिसके कारण ये संग्राम के कारण बने। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे के चैप्टर के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार।